वेलकम बैक टू द माय चैनल। जैसे कि आप लोग पता हो कि हम लोग पर डे वोकैब का सेशन भी यहाँ पे लगातार कर रहे हैं और मैकेनिक्स का भी वीडियो मैं पर डे अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। और अब हम लोगों की मेहनत जितना भी है उतना कर लेना, चूँकि एग्जाम हम लोग का जो है बहुत ही करीब आ चुका है। तो चलिए गाइस, बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और वोकैब का सबसे पहला यहाँ पे मीनिंग को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास आज का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है प्रेज। देखिए, प्रेज एक तरीके का आपका वर्ब होता है। इसका मतलब होता है कि एडमायर, या एनी एडमायर मतलब कहने का प्रशंसा किया गया, यानी कि किसी को प्रशंसा करना ही मेरा क्या कहलाता है, प्रेज कहलाता है। तो नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है ये दे रखा है आपका सेपरेट। देखा है सेपरेट मतलब भेड़ों को चराने वाला भेड़िया, यानी कि एक वैसा भेड़िया जो कि भेड़ियों को वो लीड करता होगा, लीडरशिप का आपका कुछ इस तरीके से कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा है पर्सन इम्प्लॉयड टू टेंड शिप, यानी कि वैसे व्यक्ति जो कि भेड़ों को चराने के लिए आपका क्या कहता है, इम्प्लॉयड कहता है, हायर कहता है, उसको हम लोग सेपरेट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है वायलेंटली। देखिए, वायलेंटली एक बहुत ही अच्छा तरीका का आपके पास वर्ड है, इसको आप जरूर से याद कर ही लेना, चूंकि ये आपका एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दर्शाता है। देखिए, वायलेंटली एक तरीका का आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यदि इसके मीनिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो इसका मीनिंग होता है विथ ग्रेटली इनेमी, यानी कि वैसा आदमी जो कि बहुत ही बड़ा इनेमी होगा, आपका दुश्मन होगा, जिसको हम लोग जोर से बोल सकते हैं एक तरीका से। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है डिनाइड। डिनाइड आई होप कि सब लोग पता होगा, डिनाइड मतलब होता है कि इनकार करना, यानी कि डिक्लेरेड नेचर का आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनाइड कर देते हैं। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट का आज का हमारे पास वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है वेगर्ड। वेगर्ड मतलब तरीका का बोले तो मैं अनुरोध करना होता है, इनकी विनती करना होता है, यानी कि आस्क आस्क यानी कि यहाँ पे दे रखा कि आस्क अर्नेस्टली हम्बली, यानी कि किसी चीज़ को विनम्रता पूर्वक क्या करना, पूछना, यानी कि उसको करना। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है बेसिकली सिक। सिक एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड होता है, इसका मतलब ईल होता है। आई होप कि आप सब लोगों को पता होगा, इसका हिंदी हम लोग देखें तो बीमार होता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट एक तरीका का इसमें देखिए, इसमें ये एक चीज़ अच्छा दे रखा है, वो चीज़ यही दे रखा है कि इसमें आप लोग का जो वर्ड है यहाँ पे सिमिलर वर्ड बहुत ही अच्छा दे रखा है। ट्रीटमेंट एक तरीके का आपका नाउन होता है, जिसका हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए क्योर होता है। ठीक है, और या हम लोग रेमडिली बोल सकते हैं, या हम लोग हीलिंग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है स्क्वायरल। स्क्वायरल मतलब होता है कि गिलहरी, आप लोगों को पता होगा गिलहरी एक तरीका का आपके पास एक छोटा सा स्मॉल होते हैं, स्मॉल आपका क्या एक तरीका से एनिमल होती है जो कि बहुत ही प्यारी सी होती है, यानी कि स्क्वायरल आप समझ चुके हैं। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है आपका फॉर्मल। फॉर्मल एक तरीका का वो होता है कि पूर्व अनुमान, यानी कि पहले होने किसी चीज़ के होने के पहले का अनुमान होता है, उसको हम लोग फॉर्मर के नाम से जानते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं द फर्स्ट ऑफ टू थिंग्स और पर्सन ऑलरेडी मेंशनड, यानी कि वैसे व्यक्ति जो ऑलरेडी मेंशन है, पहले से उन लोगों को कंसिडर किया जा चुका है, उसको हम लोग फॉर्मर बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है लेटर। लेटर मतलब होता है द सेकेंड ऑफ द टू थिंग्स और पर्सन ऑलरेडी मेंशनड, यानी कि पश्चात के बाद, यानी कि देखिए जो किसी चीज़ को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति जो कि पहले ही इंक्लूड किए जा सके हैं किए जा चुके हैं, उसको हम लोग फॉर्मर बोलेंगे, और जो बाद में इंक्लूड किए जाएंगे उसको हम लोग लेटर के नाम से जान सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है लेटर ब्रिंग। दे रखा है लेटर ब्रिंग का मतलब होता है कि ए सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन, यानी कि आत्मा संतुष्ट, यानी कि तुच्छ जीव, वैसे जीव जो कि आत्मा संतुष्ट हो, उसको हम लोग लेटर प्रिंग के नाम से जानते हैं। देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है कि बन। बन मतलब होता है कि रिफर टू द क्वायरल बिकॉज ऑफ द थिकर हेयर ऑन दिस बॉडी, यानी कि घने बालों वाला कोई भी जानवर जिसके बॉडी पे क्या होगा, एक तरीका से थिकर बाल होगा, उसी को हम लोग बन के नाम से जानते हैं। देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है डाउटलेस। डाउटलेस यानी कि विदाउट डाउट, यानी कि कोई चीज़ आपके पास डाउट ही नहीं है, यानी कि बेशक आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है, ये बहुत ही अच्छा दे रखा है डिसग्रेस। दे रखा है डिसग्रेस मतलब होता है लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि किसी का अपमान करना, इसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि हम लोग उसको इंग्लिश में बात करेंगे तो ये बोल सकते हैं हम लोग डिसग्रेस। और डिसग्रेस एक तरीका आपका नाउन होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसको याद जरूर से रखना। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट कवर दे रखा है, ये दे रखा है ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई एक तरीका का मतलब बोले तो यानी कि ग्रहण कर लेना, यानी कि जगह को छीक लेना, की धारणा करना, यानी कि टेक टेक पोजिशन ऑफ, इसका हम लोग
मीनिंग बोल सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है स्पाई। स्पाई एक तरीका का आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब है कि फुर्तीला यानी कि चंचल होना, यानी कि मिम्बल होना, यानी कि क्विक मूविंग होना, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाई। तो देखिए स्पाई एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है, तो आप इसको जरूर से याद कर लेना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मीनिंग की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट का जो मीनिंग दे रखा है मेरे पास, ये दे रखा है डिनाई। डिनाई एक तरीका होता है कि किसी चीज़ को इनकार कर देना, यानी कि से दैट इट्स नॉट ट्रू, यानी कि वैसे चीज़ को इनकार कर देना जो चीज़ है ही नहीं, गलत जिसको हम साबित करते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है टैलेंट। टैलेंट मतलब कि स्पेशली एबिलिटी और स्किल, यानी कि कोई किसी फील्ड में स्पेशली एबिलिटी रखता है, स्किल होता है, उसको हम लोग टैलेंट के नाम से बोल सकते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट का यहाँ पे वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है डिफर। डिफर मतलब होता है कि मतभेद होना, यानी कि टू हैव एन अपोजिट ओपिनियन, यानी कि मतभेद, यानी कि एक तरीके से डिबेट के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास वाइजली। वाइजली एक तरीका का बोले तो बुद्धिमानी यानी कि चतुरता का वर्ड आता है, जिसका मतलब होता है विथ गुड नॉलेज, यानी कि जिसके पास नॉलेज अच्छे होंगे वहीं तो वाइजली होगा ना। तो देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है क्रैक। क्रैक मतलब टू ब्रेक, यानी किस चीज़ को तोड़ देना, उसको हम लोग बोलेंगे क्रैक। तो गाइज आज के लिए मैं इतने रख रहा हूँ, जो थोड़ा सा मेरा तबीयत वगैरह इतना अच्छा नहीं है, तो आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो चलिए गाइज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि यदि इस वोकैब का सेशन जितना भी मैंने करा है उसका यदि आप PDF लेना चाहते हो, तो PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल बनाया है, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का आपको जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जा करके देख लेना। और वहाँ से PDF को आप लेना चाहते हो तो वहाँ से आप जा करके डाउनलोड करना। तो चलिए गाइस हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।